मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज का दिन एक तारीखी दिन है कि नरेंद्र मोदी साहब ओथ ले रहे हैं, और आज का दिन वो दिन है कि जब भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब तीसरी मरतबा जो कि वजीर आजम बनने लगे हैं और वो अपने ओहदे का हल्फ उठा रहे हैं, और उनके लिए जारी बात है वो अपनी कैबिनेट बना रहे हैं, उनको लोग चाहिए, और डॉक्टर जयशंकर इज द फेस ऑफ इंडियाज डिप्लोमेसी। कि नरेंद्र मोदी साहब इज बैक विद हिज की प्लेयर्स, उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे। डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट 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 फॉरेन मिनिस्टर है। लेकिन इंडिया ने जो औकात दिखाई या मोदी जी ने जो औकात दिखाई वो सामने है। थर्ड टाइम कंसेक्यूटिव, बहुत बड़ी बात है जी। आज के दिन ये बंदा इंडिया में है, और मेरा मानना यही है कि ये इसका इंडिया आना, किसका, मुइज़ू का इंडिया आना चाइना के अंदर शी जिनपिंग के लिए एक टेंशन वाला मामला है। के नरेंद्र मोदी साहब की इस ओथ सेरेमनी में 9,000 गेस्ट्स शामिल होंगे। 8,000 से 9,000 लोगों की ये गैदरिंग है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बार बार बात की जा रही है कि दुनिया भर के लीडर्स आ गए और दुनिया भर के लीडर्स के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके अंदर 9,000 लोग शामिल होंगे इस गैदरिंग में। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 7 कंट्रीज के लीडर्स तो हैं ही, डिग्निटरीज तो हैं ही, लेकिन मोदी साहब ने एक ऐसी बात की है जिस पे उनको सल्यूट है। आपको पता है कि उन्होंने किन किन लोगों को बुलाया है इसके अंदर? इसके अंदर हैं जनाब रेलवे एम्प्लॉयज जिनको इनवाइट किया गया है, इसके अंदर है वंदे भारत और मेट्रो ट्रेन्स के एम्प्लॉयज, इसके अंदर हैं सैनिटेशन वर्कर्स जो ये सेरेमनी अटेंड करने आ रहे हैं, इसके अंदर ट्रांसजेंडर्स, लेबरर्स, मजदूरों को, स्टाफ को, विस्किट भारत के तमाम जो एम्बेसडर्स हैं उनको, और गवर्नमेंट स्कीम्स में जितने लोग जिसको हम कहते हैं कि डिप्राइव्ड कैटेगरी, एक ऐसे लोग जो आम तौर पर जिनको लिफ्ट नहीं करवाई जाती, जिनको बात नहीं की जाती, वो तमाम लोग भी इस सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। तो सबसे ज़बरदस्त बात इस सेरेमनी की मुझे ये लगी, आपके लिए हर एक के लिए कुछ ना कुछ अच्छी बात इसके अंदर होगी, लेकिन मैं इसको जैसे देख रही हूँ उसके मुताबिक मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि उन्होंने उन लोगों को देखिए नहीं छोड़ा, उनको वो याद करना नहीं भूले कि जिसके लिए जो है वो सारा काम करते हैं, असल में तो इन्हीं के लिए काम किया जाता है ना जनाब। तो ये है सिचुएशन। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, मैं आपको और इसके अंदर बहुत सारी, वैसे तो देखिए डिटेल्स आ रही हैं, 7:15 पे कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब का ओथ सेरेमनी स्टार्ट होगी, और मेहमानों का तो मैंने आपको बता ही दिया, 9,000 गेस्ट, 9,000 लोग उनकी ओथ सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं। वो जो थर्ड टाइम है ना, उन्होंने उसको वैसा बना कर दिखाया है। ये अलग बात कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान की तरफ से कोई उसके अंदर शामिल नहीं हो रहा, तो ज़ाहिर अनफॉर्चुनेट है ना, ये बात कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन खैर उसके पर बाद में आते हैं। मैं आपको अब ये बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब इज़ बैक विद हिज की प्लेयर्स, उनकी कैबिनेट में वो तमाम की प्लेयर्स शामिल हैं जो पहले उनके साथ होते थे, क्योंकि बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी साहब ने उनके जो कॉलिशन गवर्नमेंट में लोग शामिल हैं उनके साथ उनको ये बता दिया है, और वो मान भी गए हैं इसके ऊपर कि जो की मिनिस्ट्रीज, जो कि सिक्योरिटी का मामला है, जो मुल्क की इकोनॉमी का मामला है, जिसको मुल्क को आगे लेकर चलना है, वो मिनिस्ट्रीज हम अपने पास रखेंगे, और उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है। बीजेपी ने अपने पास जो मिनिस्ट्रीज रखी हैं उसके अंदर होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और कुछ और भी बड़ी अहम मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उनके पास मौजूद हैं। इसमें जो
मिनिस्टर्स जो कि की प्लेयर्स हैं उनके, वो उनके साथ वापस आ गए हैं। और आप देखेंगे कि मैं जिन लोगों के नाम आपको बताने लगी हूँ, इनमें से कई एक लोग उनके साथ आज की ओथ टेकिंग सेरेमनी में ओथ लेंगे। ये बात आप याद रखिए और देख लीजिएगा, ये जो मैं कह रही हूँ बात बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तो जिन लोगों के नाम हमारे सामने मौजूद हैं, यानी जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये लोग उनकी अब उनके साथ हैं और मिनिस्ट्री में, यानी कि कोई ना कोई मिनिस्ट्री, कोई ना कोई क्या, वही मिनिस्ट्री जिसके वो मिनिस्टर थे उनको मिल रही है और कैबिनेट में शामिल होंगे, उनमें पहला नाम है डॉक्टर जयशंकर का। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर जयशंकर को आप देखेंगे कि वो एक बार फिर नरेंद्र मोदी साहब के साथ आ रहे हैं। और जब डॉक्टर जयशंकर वापस आ रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी। भारत की फॉरेन पॉलिसी वही होगी जो इससे पहले मोदी साहब के दो अदवार में रही। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने जी ओथ ले लिया है और आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी भी देखी। उससे पहले खैर मोदी जी जो है वो दही खाते हुए भी, दही चीनी खाते हुए भी हमें दिखाई दिए। और यकीनन ये उनके लिए, जैसे कहा जाता है हमारे घर में भी यही होता है कि अगर किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं या किसी खास चीज के लिए कोई जा रहा है तो उसको दही में थोड़ी सी चीनी मिलाकर और खिला दी जाती है और उसको बहुत अच्छा शगुन या गुड लक समझी जाती है। तो बिल्कुल जी, एक दिन पहले मोदी जी ने दही शक्कर खाई और अब मोदी जी ने ओथ ले लिया है। आज हमने उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी देखी, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोग थे वहां पर, जो दिखाया जा रहा था, बताया भी जा रहा था कि तकरीबन 8,000 लोगों के लिए जो है वहां पे जगह थी और जो सिटिंग अरेंजमेंट किया गया था वो तकरीबन 8,000 लोगों के लिए था। तो बहरहाल डॉक्टर जयशंकर ने भी जी ओथ लिया। जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर जो सबसे मेरे ख्याल से इस वक्त वर्ल्ड के बेस्ट 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 फॉरेन मिनिस्टर है और मुझे तो खैर बहुत ही पसंद है, मुझे मोदी जी से भी ज्यादा डॉक्टर जयशंकर बहुत पसंद है। तो जी हाँ, डॉक्टर जयशंकर और मोदी जी दोनों ने ओथ ले लिया है। उनके साथ साथ सॉरी राजनाथ सिंह साहब ने भी ले लिया है और अमित शाह साहब ने भी ले लिया है और तकरीबन वही कैबिनेट है पीएम मोदी की जो पहले थी। यदि के सब लोग मिनिस्टर्स जो हमें नजर आ रहे थे, जिनको हम थोड़ा बहुत पहचानते हैं, वो तकरीबन वही थे जो के पहले जब गवर्नमेंट थी बीजेपी की या मोदी जी की उस वक्त थे, वही लोग अभी भी थे। यकीनन मोदी जी के लिए ये थोड़ा सा टफ इसलिए होगा कि कहा ये जा रहा है कि जी क्योंकि अकेली पार्टी या अकेले बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आई है बल्कि पार्लियामेंट जो बनी है या जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की जा रही है वो यकीनन कोलिशन की गवर्नमेंट है। और कोलिशन की गवर्नमेंट जब पाकिस्तान में बनती है तो हमेशा यही कहा जाता है कि जी किसी को भी कोई डिसीजन लेना हो, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर को, तो कई लोगों को मनाना पड़ता है, कई लोगों से बात करनी पड़ती है। अगर कोई एक पार्टी भी कह दे कि नहीं हमें ये चीज सूट नहीं करती तो फिर प्राइम मिनिस्टर उस तरह से डिसीजन नहीं ले पाता। तो यही बात जो है बार बार जो है वो इस बार 3.0 पीएम मोदी की जो कहा जा रहा है कि पीएम मोदी 3.0 जो अब नई थर्ड टर्म के लिए जो सिलेक्ट हुए हैं या इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके लिए यही कहा जा रहा है कि वो अकेले डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हर जो भी कोलिशन पार्टीज हैं उनसे भी पूछना पड़ेगा। तो कोई हर्ज नहीं है, मेरा ख्याल है कि जो कोलिशन की पार्टीज हैं वो यकीनन एक ही तरह की सोच वाले होंगे, जब ही तो वो पीएम मोदी के साथ आए हैं।